आपके सामने एक छोटा सा किस्सा राजेश पायलट का आपके सामने सुनाना चाहता हूं। कौन सी समय का जिक्र है कि जब राजेश पायलट के साथ में एक टकराव का दुर्घटना घटती है, जब इसका जन्म तलाक भी सुनाया जाता है। तो जन्म बताता हूं मैं कौन सी समय का है और कौन से दिवस और कौन सी तारीख, कौन सा महीना और कौन सी सन थी। देखा, महीना फागुन का 1945 10 फरवरी को रविवार को इस पायलट का जन्म हुआ था। जब रविवार को इस पायलट का जन्म हुआ, इसके माता और पिता अपने लाडले सपुत्र को देख करके मन में खुशी मनाते हैं और एक ब्राह्मण बुला करके और उसका नाम और नक्षत्र देखते हैं। पायलट का पिताजी जाकर के भाई इसका नाम क्या निकालना चाहिए, महाराज शुभ घड़ी और शुभ नक्षत्रों में हुआ है, इसका नाम राजेश रखा जाएगा। जब पंडितों ने इसका नाम राजेश काटा जाता है, राजेश ऊंचे भाग्यशाली आदमी सहज सहज बदन में पड़ जाता है, दिन दूना रात चुगना होना शुरू हो जाता है। जब एक अपनी माता से लाड और प्यार करता है, उधर से माता और उसके पिताजी दोनों अपन पुत्र को अच्छी तरीके से रांगते हैं। इससे बड़ा भाई का नाम चमन था और चमन से छोटा ही पायलट नेता था। जब पायलट नेता ने पढ़ने की कोशिश की तो भाई चमन के पास दिल्ली में गाजियाबाद के अंदर वो दूध बेचा करता था, उसके पास जाकर के उन्होंने अपनी पढ़ाने की कोशिश और अपने नाम बढ़ाने की कोशिश करता है। कुछ दिन वहां रहता है, उसके बाद में पायलट नेता, इससे पहले पायलट नेता की फीत नहीं थी इसके, राजेश प्रसाद। राजेश प्रसाद ने अपनी मेहनत से और तन से जब वहां से हवा की जहाज की नौकरी मिल जाती है इसको, हवा की जहाज की नौकरी मिलती है जब पायलट उस हवा की जहाज को नौकरी करते करते दिमाग में अचानक आ जाती है कि अपने को जनता की सेवा करनी है। जब कुछ राजनीति में ध्यान लगा लेता है, राजनीति में ध्यान लगाया, कुछ जनता की सेवा बजाया, जब राजेश पायलट ने अपने मन से और तन से जनता की सेवा करने के लिए तैयार हो गया, जा करके उसको इंदिरा गांधी के सामने खड़ा हो जाता है और जाकर के कहता है, तो के कह रही हो, लोया जनता को ने मनी मानो छे मुन को चाहे ना दे सती पो दे दियो नौकरी के जनता के चरणा शीशन वाणो छे सामने जाकर दोनों जोड़ो हाथ, नौकरी कर बाकी मेरी कोन्या बस की बात है। अर अस्ती पो दे दियो पाई लेट जब खेचे तेरा लोखी को नाथ, अर मन के माई जब खेचे सेवा कर बाकी देखे जचाई बात है। अर जनता की कर सेवा मुन खेच नाम कमानो छे नेक बद
सुनसान जनता को दर लीनू छो जानर जी की खेचे चंद्रमासी शाने अरे छोड़ करया नौकरी को आगो छो मैदान अरे इंदिरा गांधी भी जब खेचे ऊकानी दर लीनी छी जाने अरे भरतपुर से खेचे इंदिरा गांधी सबसे पहली टिकट दुआयो छो गांधी मुन जनता की सेवा तो बजारो कर पाई लेट कैच खुली गालन लागो खेटर ऊंडे या ताई कैच नाम निकलो सुन लो पाई लेट अर बड़ा बड़ा नेता के जब कैच गालन लागो खेट अर घना बड़ा रे बड़ाऊ की लाग गया छा साथी कैच सेट अर जा कर यानू बोलो कद जनता की सेवा मुन फरज पुगाड़ो छे भरतपुर में या करिया बोले जनता की चरणा मुसी सनवाणो छे नौकरी का अस्तीफा लिख करके इंदिरा गांधी को संभाला देता है और वो इंदिरा गांधी उस अस्तीफा को लेकर के और उस पायलट के ऊपर अपना हाथ जचा देती है साबत नीति से उसको नेक इंसान समझ करके और भरतपुर से उनको टिकट दुआ देती है। जब लेकर के टिकट वो पायलट नेता सन 1980 के अंदर भरतपुर से आकर के उन्होंने चुनाव लड़ता है, भरतपुर से उनको चुनाव जीता जाता है, जीत करके वो नेता वहां से रवाना होता है 1984, 1991, 1996, 1998, 1999 में जाकर के दौसा क्षेत्र में एक पायलट नेता अपने छवि को और तरीके को दिखाता है और नेक इंसान दिखाता है। जाकर के सामने खड़ा होता तो कैसे हो रहा था देखा सानर दोसा क्षेत्र में पहल पहल या कर धर लीनू छो ध्यान अक ऐंडे या पानी जचानो चे सुन लेना मैदान अर दोसा क्षेत्र का जमींदारा की छत्ती सू जाति की सुतरी छे ना शाने अर आज दोसा के माय रह करया रे काम करनो छे आ पान तग रो आशा
लीनु छोपा और बढ़िया बढ़िया नेता से देख बढ़ायो भावे। अरे जनता के खेचे सहज सहज नेता ने जितावा को खेचे देख छो चावे। अरे लोखी का नात पाई लेट को बढ़ तो आयो भावे। अर आकर यार दोसा क्षेत्र में खेचे अपनो डोडो बांध पगहरो चुनाव की बीत गई छी टे मर के पाई लेट नेता की मानी वही छी गेम। अरे वो अमीर और गरीब पर ज्यादा कर तो रहे मैं। अरे तेरे लोखी का नाथ कैच आवे अंतम टे में। अरे एक दिन की बात खेच काम तो देख खड़गो अपनो मोटो कर लीनु अंदाजो। और सब गरा के माय बड़े बड़े कर खेचे कर लीनु चो साजो। अरे बढ़िया कुशी को खेचे अब महाराज कोट पुतली में देख बजायो बाजो। अरे कर लोखी का नात खेचे काम तगड़ो खेचे। सबसे पहली छवि तो राम राम साकी देख लगायो। अरे घर घर के माई सब बड़ा बुजुर्ग का के चरणा शीश नवायो। अरे वीर छोरे मान्योड़ो खेचे सब जाति को ध्यान लगायो। अरे दोसा क्षेत्र को आज मान्यो यो तो खेचे कर गोछे ना थायो। अरे फिर लोखी को नाथ कोई छोड़ रे को ना गयो छे देख रह गहरो कोई भी छोड़ कर या को ना गयो तो देख रहो राष्ट्रपति महाराज रे आत्मी चो तो सुबाज रहो छे साजे। अरे पप्पू बीरो मन में ख्याल करे छे खेचे बात तो एरी छे अंदाजे। अरे सत के गुरु गोविंद साय जी मेरे सिर मस्तक के ताजे। अरे पायलट पाछे डोल छाय अब कह के पाछे बांधांगा पगड़ो क्षेत्र में आता है और आकर के दोसा क्षेत्र में पांच चुनाव अपनी मेहनत से और जनता की हिम्मत से जत और मत देकर के उस नेता को छवि को ऊंची डजाने की कोशिश करते हैं और वो नेता घर घर में जाकर के गरीब और अमीरों की सहायता करना शुरू कर देता है। पांच चुनाव तक मौका मिलता रहा और वो नेता पायलट जीतता रहा। जब तक धरती आकाश रहेगा और पायलट तेरा नाम रहेगा। जब दोसा क्षेत्र के अंदर एक मीटिंग करने के लिए दिल्ली से उन्होंने चल दिया और आकर के दोसा क्षेत्र के अंदर मीटिंग करके
और उसने अपनी गाड़ी तेजी से और गति से दौड़ा करके जयपुर मीटिंग में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। रास्ते चलते चलते 276 से 13 किलोमीटर दूरी के अंदर गांव बढ़ूना के अंदर उस पायलट के साथ में दुर्घटना घटती है। तो क्या घट रही थी? बलाय के चरो कली गे चल कर नेता आयो रसता के माई एक गांव में यगो तो पायो अरे आत की आत खेच गाड़ी देख डिगायो अरे यग के माई जा कर अपना दान की खातर आत बढ़ायो अकर दान दिया सी खेच आज तो सुतरो लाग गोड़ हलो जगती है अर बंदा नहीं आवे तो दशा घेर लाती है अरे के पाई लेट नहीं बोत दियो छो दान अर दान करया सी जमींदारो थारी बनेगी चंद्रमासी शान अर अया खे करया खेच गाड़ी आक दियो छो जब खेच बाप को डेरो शो काल तो देली नो गे हरो यग के माई आयो जब पाई लेट को देख पड़ो छो था गे अर रसी माथमा बैठा सरोता नी केच बात दियो छो जागे अर धन धन छेरे पाई लेट तेरो दुनिया गारी रागे अर तेरे लोखी का नाथ केच दो समझी को सुतरो छो दे रो उस गांव के अंदर भाग दे करके यज्ञ को छोड़ करके और दान दे करके वहां से रवाना होता है और मार्शल गाड़ी में बैठ करके अपने हाथों से चला करके उसको जाता है। चलते समय वो पायलट किसान भाइयों को
सभी जातियों को आशीर्वाद देता है, क्योंकि काल बुरी बीमारी होता है। काल बुरी ऐसी चीज होती है इंसान को तीन फैर पहले जगती है, अन्नी आता है तो बंदा को घेर घोट करके जाती है। जब प्यार और प्रेम से कह रहा था कि जब तक इस धरती के ऊपर तुमने दान करते रहोगे, जब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा, इतनी कह करके पायलट वहां से गाड़ी स्टार्ट कर देता है और चल करके गांव मंडूना के पास में पहुंच जाता है और जाकर के उसकी साथ में दुर्घटना घटती है। उधर से रोडवेज आ जाती है, उधर से अपनी तेज गति से लेकर के उस गाड़ी को आ रहा था, मार सर के ड्राइवर साइड को काल बुरी बीमारी थी उसके ऊपर चढ़ जाती है और वहीं पर पायलट की फांसू टूट जाती है। जब वहां पर कोलाहल मच जाता है और उस पायलट को गांव मंडूना के अंदर से उठा करके मान सिंह हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। जब हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, उधर से रामा को टेलीफोन करते हैं और रामा टेलीफोन को सुन करके और दिल्ली से 25 मिनट के अंदर आकर के जयपुर में पहुंच जाती है और आकर के अपने पति से एक बार बात करना चाहती थी। कैसे कर रही थी? बात नहीं बाव सी तो लो रामा दोनी जोड़ी हाथ ये कबर मुंडा सी बोल रे पति के चे दुख पायो छे गाते। अरे नेता के ऊपर नेता आया फिर रे आ जाने खुशी दुख पायो छो गाते। अरे आज कया रे उदास वे कर पड़ो के छोड़ा गोना साते। अरे उसी टेम के माय बोलो खज दुख वेरो चे देख उंडासी बोली के चेन पड़ रो को ना तेरा दुख की टेम गाव बडू नाम वयो एक सी डंट। अरे खेचे उसी टेम के माय बोला वे गाछा बर भूटे। अरे एक चौकीदार छो एक छो चौकीदार खेचे वे बाला गो छोला चार। अरे उनकी भी मृत्यु वे गई सात में खेचे त्रिलोकी करता रे। अरे बॉडी काट भी खेचे मर गयो साथ में आज दर्द हुयो छे हूं को भी फांसू में सल से अब दुख पारी छू तेरा दुख सुन रहा। पायलट मान सिंह हॉस्पिटल के अंदर भर्ती था और रामा पायलट 25 मिनट में दिल्ली से आकर के पहुंच जाती है।
मान सिंह हॉस्पिटल में जाकर के देखती है पति का बुरा हाल हो रहा था। देख करके पति के बुरा हाल को और वो रामा हाथ जोड़ करके कह रही थी कि हे पति देव, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, एक बार मुख से मेरे को बोलो। लेकिन पायलट की बोलने की कोई हालत नहीं थी और उधर से आकर के सारिका उसकी पुत्री अपने पिताजी को कह रही थी, तो क्या कह रही थी? ये तूने पीड़ा पर बैठाऊं रे या बादल बोल मुख सुन तूने पीड़ा पर बैठाऊं रे या बादल बोल मुख सुन सारी का पुत्री देख लडारी लाडर काल जाके माय डाटोड़ो नहीं डटे छो गाडे अर्जी का देख करिया पिताजी का नी बूंदा वेगा हाल अर सुनी रे पप्पूरी कोडंग करता मेरी डटरी को न्या जाले अर दुख पारी छू ओ पिताजी के चे तेरा दुख सुन पिताजी ईश्वर देखी वे गयो कूड़ो अरे या पति को सिर के माल देखिया गयो झूड़ो अरे कोई नेता भी खेच नहीं बोल रो फूड़ो अरे बड़े बड़े काया को खेच वे वाला गयो तूड़ो अरे आज पिताजी तू के कर चालो मेरी साथ कुण मुन बेस बनावे गो कुण सोखे चे मुनी चीर उड़ावे गो।